हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीएसआईआर नेट प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइफ साइंसेस के अंदर अगर आपको सीएसआईआर नेट या किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो देखो, आपको अगर इफेक्टिव नोट्स बना रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली आपके लिए क्या है, एक स्मार्ट अप्रोच है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। आपको क्या करना है, आपको ये नहीं करना है कि जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो तो रेफरेंस बुक पढ़ते समय जो वहां पर आपका जो पैराग्राफ है उसको पैराग्राफ उठाया और एज इट इज आपने अपने नोट्स में बना दिया। ये नहीं करना है, आपको अपने नोट्स बिल्कुल क्रिस्पी बनाने हैं, बहुत सॉर्टेड वे में बनाने हैं ताकि आपको रिविजन बहुत अच्छे से हो पाए, सारी इफेक्टिवनेस आपको वहां पर रखनी है। तो आपको ये नहीं करना है कि लाइन टू लाइन उठा लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सपोज करो कोई हार्मोन पढ़ रहे हो, मान लो एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ रहे हो, तो एल्डोस्टेरोन अगर आप हार्मोन पढ़ रहे हो तो आप सीधे सीधे उसमें से जो पॉइंट उठाओगे ये उठाओगे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सोर्स क्या है, कहां से आता है, उसका केमिकल नेचर क्या है, सिंपल एक लाइन पे लिखा आपने, उसके रिसेप्टर कहां होंगे सिंपल ये लिखा उसने, रोल क्या है उसका, एसोसिएटेड डिसऑर्डर क्या है, उसके कमी होने से क्या हो सकता है, उसके ज्यादा होने से क्या हो सकता है, और जो डिसऑर्डर है उसके बारे में एक लाइन लिखी। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने उठाया और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया। इससे क्या होगा कि आपके वो पर्टिकुलर जो नोट्स हैं वो ज्यादा हैवी नहीं बनेंगे और वो छोटे होंगे, पतले होंगे, ताकि रिविजन करते समय आप इरिटेट नहीं होंगे। ठीक है, जो भी सोर्स आप लोगे, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, इस बात का प्लीज ध्यान रखें। आप कहीं से भी एज इट इज बिना ऑथेंटिसिटी के कुछ भी कंटेंट ना लें, हो सकता है एग्जाम में वो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर रेफरेंस बुक पढ़ें, जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन रेफरेंस बुक को कंसिडर करें और वहीं से आप अपना जो भी कंटेंट है, बेस्ट टू कंटेंट, बेस्ट बेस्ट कंटेंट वहां से उठाएं। ठीक है, ये आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज ये ध्यान रखना कि आप कोशिश करो कि आप अपने नोट को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा कैची होते हैं और रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने में आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको प्रॉब्लम भी होती है, हर कोई इंडिविजुअल पढ़ने में दिक्कत फील करता है लास्ट मोमेंट पे। तो कोशिश करो कि फ्लो चार्ट होगा, सीधे सीधे आपने पेज देखा, फ्लो चार्ट है वो ज्यादा कैची होगा, कम टाइम पर आप ज्यादा इफेक्टिव वहां पर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जैसे अगर बाय चांस एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोचो आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ रहे हो और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में आपको एलएस और एफएसएस के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो, तो सिंपल आपने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया कि हाँ ये हाइपोथैलेमस है, उसका एक्शन एंट्री पर है। अब आपको ऐसे ही बुकिश लाइन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, सिंपल एक बॉक्स बनाओ हाइपोथैलेमस, उसका कंट्रोल एंट्री पर, वहां से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एफएसएच एलएच, और एफएसएच एलएच कहां जाके एक्ट कर रहे हैं, सीधे आप उसका एक्शन दिखाओ सर्टोल सेल लेडिक सेल में, और जब उन हार्मोन्स का एक्शन हो रहा है तो ये पर्टिकुलर सेल्स कौन कौन से सबस्टांस को रिलीज कर रही है, सीधे एक एरो फ्लो चार्ट के फॉर्म पर आपको मिलते चले जा रहा है। यही चीज अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो फिर आपको रिवीजन करने में आप फिर उसको इंटरेस्ट भी नहीं दिखाओगे। तो कोशिश करो कि चीजों को फ्लो चार्ट में लाने की कोशिश करो, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है। फिर अगला, जब आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको लाइफ साइंस में बहुत सारे फिगर मिलेंगे, बिना फिगर के तो आप चीजें समझोगे नहीं लाइफ साइंस में। तो आपको कोशिश करनी कि जब आप फिगर बनाओ तो लाइन फिगर होनी चाहिए, सिंपल लाइन फिगर। आप एज इट इज बुक की चीजें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो। जैसे सपोज करो यहाँ पर आप ये कोई एक कंडीशन बना रहे हो, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको लिपिड बायलेयर मिलेगी। अब लिपिड बायलेयर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो आपको एज इट इज बनाने की जरूरत नहीं है। आप किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंपल ऐसे बना दो, एक सिंगल लाइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ आपने सपोज करो कोई ल्यूमिनल कैविटी है, यहाँ ब्लड वेसल है, तो लाइन से सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया कि ल्यूमेन है, ल्यूमेन की साइड वाली मेम्ब्रेन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन बेसोलेटल मेम्ब्रेन है। आप किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को दिखा रहे हो तो आप मार्क कर दो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टर है, सिंपल लिख दो ये ट्रांसपोर्टर ये है, ये सिंपल ट्रांसपोर्टर ये है। तो सिंपल चीजों को एक इजी वे में, बहुत सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। एज इट इज बुकिश डायग्राम, 3D डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके खुद के रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके रिलेटेड कंटेंट है ना, उनको कोशिश करो कि वो एक प्लेस में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
सेल बायो में आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो इनहिबिटर्स आएंगे, मोल बायो में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो इनहिबिटर्स आएंगे, एनुअल फिजियो में आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हो वहां इनहिबिटर्स आएंगे। तो भाई ये इनहिबिटर्स आप एक जगह लाने की कोशिश करो कि ये इनहिबिटर्स एक पेज में लिख दिए वो क्या एक्शन दे रहे हैं, तो वो एक ही प्लेस में आ गए, रिविजन के लिए आपका टाइम बचेगा और आप इरिटेट भी नहीं होंगे। ऐसे अगर आप कोई सिग्नलिंग पढ़ रहे हो तो सिग्नलिंग में आपको पर्टिकुलर लाइगेंड याद रखने, तो लाइगेंड हॉर्मोन्स भी अपने आप में लाइगेंड है, कोई और दूसरे सब्सटेंस से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से, तो उनको कोशिश करो कि वो जो कॉमन लाइगेंड है, जो कॉमन वाली आपकी सिग्नलिंग पाथवे फॉलो करते हैं, तो उनको एक जगह लाने की कोशिश करो कि जीपीसीआर वाले लाइगेंड ये हैं, सारे एक जगह आ जाने चाहिए, आरटीके फॉलो करने वाले ये हैं, वो सब एक कॉमन प्लेस पे आए, भले ही वो अलग अलग यूनिट के कंटेंट क्यों ना हो, लेकिन उनको कोशिश करो कि अगर वो कॉमन है तो उनको एक जगह रखने की कोशिश करो, रिविजन फास्ट होगा। जैसे अब आप बहुत सारे कंटेंट पढ़ रहे होंगे, अलग अलग कंटेंट में अलग अलग फॉर्मूलाज भी आ रहे होंगे, तो कोशिश करो कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे अगर आपने एनुअल फिजियो पढ़ा, आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो, कार्डियक आउटपुट के फॉर्मूले आ रहे होंगे, इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ रहा होगा, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूले आ रहे होंगे, सेल बायो में पढ़ रहे होंगे, जब टेक्निक्स पढ़ोगे तो वहां माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे होंगे, वहां कुछ फॉर्मूले आ रहे होंगे, तो कोशिश करो कि उन फॉर्मूलेज को एक जगह ले आओ और फिर वो देखो कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ताकि आपको बार बार उनको अलग अलग वे में खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर फाइनली देखो, अब इतनी चीजें अगर आप करोगे तो जो आपके नोट्स जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे और वो आपको एग्जाम क्रैक कराने में आपके बेस्ट पार्टनर बन जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इफेक्टिव नोट्स हैं जनरली द की फैक्टर फॉर लास्ट मोमेंट रिविजन होते हैं। आपको भाई रिविजन करना ही पड़ेगा, आपने कितना भी अच्छा कंटेंट कहीं से भी क्यों ना पढ़ा हो, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको कहीं ना कहीं उन चीजों को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक वे में रिवाइज करना पड़ेगा, और फास्ट ट्रैक वे में रिवाइज आप तभी कर पाओगे जब आपके वो नोट्स बिल्कुल क्रिस्पी नोट्स आपके पास होंगे और बस आप पढ़ने पलटा रहे होंगे और आपको चीजें याद आ रही होंगी। ये आपको अप्रोच करनी है कि आप कैसे उन नोट्स को बहुत अच्छे वे में इफेक्टिव बनाएं। तो कोशिश करो इन चीजों को एडॉप्ट करने की। थैंक यू ऑल।